नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय द बिहार मेल की टीम आई हुई है आदित्यपुर में। आदित्यपुर जमशेदपुर से सटा हुआ, टाटा जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका है, जहां टाटा का खासा काम चलता है। इस बीच जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भीतर आर्थिक मंदी की खबरें आ रही हैं, तो हम पहुंचे हैं आदित्यपुर में और जानने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों से बातचीत करके। तो यहाँ हम एक जो खास तौर से ये काम पूरा आउटसोर्स होता है, टाटा अलग अलग छोटी कंपनियों को अपना काम देती है, उनके यहाँ से गुणवत्ता की जांच करती है, उसके बाद उन सारे कंटेंट को टाटा अपने ट्रकों में, खासतौर से ट्रक का ही यहाँ से काम होता है। तो इस जिस जगह पे हम खड़े हैं, इनसे भी बातचीत हो रही थी, ये इस कंपनी के मैनेजर हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। IPSG इनकी कंपनी का नाम है और ये लोग टाटा के अलावा भी अलग अलग बड़ी कंपनियों के लिए छोटा काम करते हैं। मगर इस बीच जब आर्थिक मंदी की खबरें आई हैं तो बता रहे हैं कि काफ़ी काम ठप है। पहले जो 2400 घंटे इनकी इनका पूरा कारोबार चला करता था, मुश्किल से 8 घंटे की शिफ्ट में काम करा पा रहे हैं मजदूरों को, वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। जी, आप अपना नाम बता दें पहले हमें। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं धीरज? मैं यहीं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, सिवान बता रहे थे? सिवान मेरा बेसिकली मेरा पैतृक। हाँ, पैतृक बहुत। ठीक, तो किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं इस बीच जब आर्थिक मंदी की, खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर जिस तरीके की बातचीत आ रही है, क्या कुछ देख रहे हैं? कितनी मशीनें आपकी बंद हुई, कितने लेबर आपके चले गए, आपको भेजना पड़ा उनको? मुझे कम से कम 15 से 20 लोगों को अभी भेजना पड़ा, बाकी सभी मशीनें लगभग 20% मशीन चल रही है, बाकी सब बंद पड़ी है। और कब से दिखनी शुरू हुई आप लोगों? ये हम मुझे मार्च के बाद से दिखना चालू हो गया था। इस साल मार्च के बाद बहुत ही डाउन होने लगा, धीरे धीरे डाउन होते होते अभी 1-2 महीना से ऐसा स्थिति आ चुका है कि हम लोग बैंक को जो लोन, मशीनरी के लोन है, उसको चुकाने में बहुत दिक्कत, भारी दिक्कत आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव में खासतौर से रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, इस बार कहीं दिखा रोजगार का मुद्दा आप लोगों की इंडस्ट्री पे, किसी तरीके का उसको एड्रेस किया? नहीं नहीं, रोजगार तो जो रोजगार था वो भी छिन गया लोगों से, रोजगार तो बढ़ा नहीं, उल्टा बहुत कम हो गया। जो चल रहा था उनको भी, बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में, यहाँ 1200 फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें कम से कम 1000 फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, लाखों लेबर बैठा दिए गए हैं। झारखंड ऐसा राज्य है, लोकसभा चुनाव तो खत्म हुए ही, परिणाम आए, नेता सदन में बैठने लगे, फिर यहाँ विधानसभा चुनाव की घंटी घनघनाने लगी है धीरे धीरे। क्या कुछ देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से, कुछ उसका असर ये जो खासतौर से आर्थिक मंदी आई है चुनाव पर पड़ेगा, या फिर से यूं ही सारी चीज़ें चलेंगी जैसे चली? चुनाव के लिए तो हम चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, ठीक है, चुनाव में क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को देखना चाहिए ये मंदी से भरने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मोदी जी से यही विनती है कि वो कुछ करें हमारे लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जो हम लोग रोजगार पैदा कर सके और अपना भी रोजी रोटी चला सकें। और ये कौन सी जगह है? ये Phase 2 में अशोक बिहार का लाता है, नियर खेतान उद्योग। ये किस चीज का काम हो रहा है यहाँ पर आप लोगों? टोटल सर टाटा मोटर्स का जो आगे वाले चक्के फिट होते हैं उसमें, ये मतलब चक्का इसी में लगता है सर। अच्छा। इसमें बोल्ट लग के, बाकी बेरिंग लग के, जो स्टेरिंग जिससे कटता है सर, ये आगे वाला चक्का का टोटल काम इस कंपनी में होता है। अच्छा। लेकिन लेबर लगता है टाटा मोटर्स करते हैं? नहीं, टाटा मोटर्स के लिए करते हैं, मतलब उसी के लिए काम करते हैं, वो आपको दे देता है ठेका? नहीं नहीं, हम लोग थर्ड पार्टी है सर, जो मेन पैसा है वो बड़े बड़े उद्योगपति का माल लेते हैं, हम लोग सर स्क्रैप में जीते हैं, और जो नीचे में बाबरी फेंका हुआ है ना सर, उसी में जीते हैं। अच्छा, तो ये काम आपका है, आप करवाते हैं यहाँ पर? तो इस बीच ये बंद है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही शटर भी खुला है आपका, जब हम बगल वाली जगह पर थे तभी आपका शटर खुला। तो आमतौर पर कितने बजे खुल जाता था ये? 24 घंटा चलता है। 24 घंटा चलता था, अभी नहीं चल? नहीं, मालूम नहीं है। कितने समय से बंद है ये? ये 4 महीने हो गया। 4 महीना हो गया। क्या नाम है आपका? रामाधार सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम। सासाराम, है ना।
भोजपुरी भी बोलते समझते हैं तो बढ़िया से, तो कैसे गड़बड़ा गेल बटे, कितना समय से गड़बड़ाइल भाई ये आपका? नवंबर से ही धीरे धीरे खराब होना चालू हुआ है। अच्छा, अभी आके इन पोजिशन में अभी तो कुछ महीना में ऑर्डर नहीं है। अच्छा, हम लोग ये महीना काम ही नहीं किए हैं, बंदे है पूरा उधर में। ले बंदी कितने समय से चल रही है? नवंबर से चल रहा है, नवंबर से चल रहा है। अंतर कितने लेबर थे आपके पास काम करने के लिए? 20 आदमी। अभी तो जैसे ये कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगा होगा। हाँ, कितना? 1 करोड़ का लगा है, बैंक का, ग्रामीण बैंक का लोन है, झारखंड ग्रामीण बैंक का, वहाँ एक बोर्ड भी दिखाई पड़ रहा है तो उसका है। और उसके बाद फिर ये तो अभी इंस्टॉलमेंट वगैरह कैसे दे पा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट वगैरह अभी बैंक का NPA होने जा रहा है, NPA हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग। चार महीने से हम देवे नहीं, चार महीने से नहीं दे पा। नहीं, बिजली बिल भी चार महीने से नहीं दिए हुए। फिर क्या कर रही है सर बैंक को, दबिश उबिश कर रही है बैंक? अब उतना परेशान नहीं कर, लेकिन मैनेजर फोन किया था। अच्छा, कि इंस्टॉलमेंट देखो डालो, अभी वो भी तो जान रहा कि मंदी है, लेकिन परेशानी तो आई है, लेबिलिटी बढ़ रहा है। ये कितना, आप यहाँ कितने समय से हैं? ये जगह है यहाँ जो काम कर रहे हैं आप, ये कितनी पुरानी है? हम जैसे पहले शुरू में लेथ मशीन लगाए थे, इसका प्री मशीनिंग करते थे 2003 से। अच्छा, लेकिन 11 में CNC मशीन लगाए। ये मशीन आपका 30 से 40 लाख एक मशीन का दाम है। अच्छा, 3 मशीन है मतलब 3 करोड़ रुपया हो गया है। अच्छा, 1 करोड़ रुपया लगा है। अच्छा, लेकिन अभी स्थिति बहुत। लेबर कितने थे आपके पास? 20-22 लेबर थे। अभी कोई नहीं आ रहा? नहीं, काम ही नहीं, एकाबला करेंगे काम ही, सब गांव चला गया है। नाम फिर से बताइए। रामाधार सिंह। ये रामाधार सिंह हैं, सासाराम के रहने वाले, बता रहे हैं कि करीब 1 करोड़ के आसपास का जो इनका इन्वेस्टमेंट है, मगर अब धीरे धीरे वो NPA में चला जा रहा है। थोड़ा हम पीछे की तरफ चल करके आपको दिखा दें कि ये सारी चीज़ें यहाँ बनती थी और ये फिर आप फिर टाटा को सप्लाई करते थे। तो इसी तरीके की ऐसी छोटी बड़ी, इससे थोड़ी और बड़ी, इससे थोड़ी और छोटी, तो तमाम जो जिसको आप छोटे मझोले कारोबारी कहें उनका काम था और वो यहाँ बिल्कुल बैठ की चल रही है। 20-22 की संख्या में मजदूर, मैनेजर, मतलब लगभग 50 लोग काम करते थे और वो सारे लोग इस समय इस मंदी, आर्थिक मंदी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भीतर जो आई है उसकी चपेट में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह। आप किस तरीके का इस इंडस्ट्री में काम करते हैं आदित्यपुर में, क्या काम है? हम लोग छोटा बड़ा मशीनरी का सप्लाई है। किसको सप्लाई करते हैं? पूरी इंडस्ट्री में जिस कंपनी को जो मशीन का थोड़ा बहुत जरूर रिक्वायरमेंट पड़ता है उसको देते हैं। इस बीच जो खबर आ रही है कि आदित्यपुर खासतौर से प्रभावित है, ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा मंदी आई, बहुत बुरा स्थिति है। आपका कितना लेबर था आपको, आपके पास तरीके की परेशानी आ रही है? 14-15 को लेबर है, उसे काम नहीं है, काम नहीं है तो उसको बैठा करके उसको झेलना पड़ रहा है। अब लोगों को पेमेंट निकालना मुश्किल है, कैसे पेमेंट निकलेगा भाई, काम नहीं है। सरकार की ओर से किसी तरह की कोई किसी तरह की कोई कोई सरकार, केंद्र सरकार, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, किसी तरह का कोई मदद नहीं। एक बात कही गई कि भाई यहाँ एक हाथी सिंबल बना है। हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो हाथी उड़ रहा है, तो उड़ रहा है। हाँ, बस वो हाथी उड़ ही रहा है खाली, बस वो आसमाने में, नीचे जमीन पर नहीं आ रहा हाथी। नीचे आ जाएगा तो फिर डैमेज हो जाएगा ना वो, इसलिए वो आसमाने में उड़ रहा है, पिपरे में उड़ रहा है खाली। खाली उड़ने ही की बात हो रहा है, काम की बात नहीं हो रहा है, काम कुछ भी नहीं है। किस तरीके की दबिश उबिश कर रहे हैं आप लोग? अरे बहुत परेशानी भी है, अनाप शनाप बिल आता है, आपका प्रॉब्लम है तो वो सोल्यूशन नहीं है। 6-6 महीना से आदमी बिजली बिल में गड़बड़ी है, दौड़ रहा है विभाग में, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, बस कुछ रिजल्ट कुछ नहीं होता। 6-6 महीना से परेशानी जो चल रहा है वही परेशानी आज भी है, आज भी जारी है। कुमार, लघु उद्योग भारती के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, आदित्यपुर जमशेदपुर में हमारा उद्योग है। ये जो पूरी इस दौर में खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि यहाँ पर आदित्यपुर के पूरे इलाके में जमशेदपुर से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ काम करती है, टाटा काम करती है और टाटा से जुड़ी हुई ऐसी, जैसे आप लोग बता रहे हैं, हजारों कंपनियाँ उससे जुड़ी हुई हैं जो उस टाटा को अपना काम करके पहुँचाती हैं। तो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खासतौर से मंदी है, उस पर उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, करीब 25-30 साल में इस तरह की मंदी पहली बार हम लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसी भयानक मंदी हम लोग भी नहीं देख पाए थे आज तक, और कल्पना से परे है ऐसा मंदी। क्योंकि पहले भी बरसात में थोड़ा स्लो डाउन होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि काम बंद करना पड़े।
इस बार यह मंदी ज्यादा भयानक हो गई है और ज्यादा प्रभावित सभी हो गए हैं। उसका दो तीन चार कारण है। एक तो पहला है इमिशन नॉर्म 2000 अप्रैल से BS6 आ रहा, भारत 6 स्टेज, तो उस वजह से भी BS4 से BS6 जाना होगा, तो 4 वाला गाड़ी अप्रैल से नहीं बिकेगा। तो सभी चाह रहे हैं कि जितना गाड़ी बिक सकता है, टाटा मोटर भी या सभी ऑटो कंपनी चाहते हैं कि जितना गाड़ी बिक पाएगा उतना ही बनाएं, उसके वजह से भी ये मंदी है। और ट्रांसपोर्टर और जो ट्रक या कमर्शियल व्हीकल खरीदने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा मॉडल नया रहे, उस वजह से भी लोग खरीदारी को पोस्टपोन्ड कर दिए हैं। बाजार में काम भी कम है, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी खड़ी रह रही है, तो इसलिए भी ट्रांसपोर्टर नहीं खरीद रहे हैं। और एक कारण है, बैंक फाइनेंस में भी कठिनाई आ रही है। पहले ज़्यादातर गाड़ी 90% फाइनेंस 1-2 लाख रुपए दे के गाड़ी खरीद लेते थे, जो प्राइवेट कंपनी उसको प्राइवेट फाइनेंसर आसानी से फाइनेंस कर देते थे। अभी प्राइवेट फाइनेंस में भी कठिनाई आ गई है, RBI का रूल थोड़ा टाइट हुआ है, NBFC फाइनेंस में बंद कर रहे हैं, तो इस वजह से भी कोई बैंक से फाइनेंस उतना कठिन शर्तों को पूरा करके नहीं ले पाता है, उस वजह से भी एक कठिनाई है। तो इस दौरान एक क्या क्लोजर, ब्लॉक क्लोजर हो रहा है। ब्लॉक क्लोजर क्या है? ब्लॉक क्लोजर है कि जितना हमारा इस सप्ताह में माल बिकेगा उसके हिसाब से ही हम माल बनाते हैं। तो सब दिन के पास मेरे पास काम नहीं है, तो हम अपना कारखाना को हफ्ता में 2-3-4 दिन करके बंद कर देते हैं, यही ब्लॉक क्लोजर है। मेरा नाम राणा सिंह, मैं आदित्यपुर जमशेदपुर में रहता हूँ। मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जो अभी खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी आपका जुड़ाव है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिस तरीके की मंदी की खबरें आ रही हैं, तो उसको लेकर के मतलब आपको कैसे समझ में आ रही है? पहली बार आपको कैसे लगा कि कब लगा कि ये मंदी आ रही है, दिखी आपको सबसे पहली बार, और उस समय से लेकर के अब तक क्या डेवलपमेंट है? देखिए, मंदी का ये जो स्थिति है, पिछले 6 महीने से इसका प्रारूप तैयार हो चुकी थी। नई सरकार आने के बाद, केंद्र में जो नई सरकार आई है, आने के बाद इन्होंने बहुत सारे वादा किए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने कुछ विशेष किया नहीं। और मार्केट की इतनी बुरी स्थिति हो गई, देश में महंगाई चरम सीमा पर चली गई, बेरोजगारी पहले से तो थी ही, सरकारी संस्थान जितने हैं उसमें सारे रिक्त पद भी नहीं भर पा रहे हैं लोग, और प्राइवेट सेक्टर में ये मंदी आई है। मंदी आने का सबसे बड़ा कारण देश का जो नीति है, आर्थिक नीति से लेकर ये जो कंस्ट्रक्टिविटी की नीति है, वो एकदम फेल हो चुकी है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ देश में सत्ता में अपना काबिज होना है और कुछ नहीं है। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, धारा 370 के नाम पर सिर्फ देश की जनता को अपनी भावना में से भ्रमित करके ये करना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्शन में आज ये स्थिति है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 650 फैक्ट्री है, एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज है ये, और इसका 90% जो जितनी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो चुकी है। उसका कारण है कि ये जितने यहाँ के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ, ये सारे टाटा मोटर्स से पर डिपेंडेंट होते हैं, और टाटा मोटर्स अभी उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही है। नहीं बिकने के कारण यहाँ बहुत यहाँ के कंपनियों को जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं वो ले नहीं पा रही है, जिसके चलते यहाँ के मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ जितने मजदूर हैं, जो कंपनी है, चूंकि कहाँ से वो सैलरी देगी, वो सारे मजदूरों को बैठा दिए हैं। ये पूरे कोल्हान, ये आदित्यपुर इंडस्ट्रियल जो एरिया जो है, पूरे कोल्हान को इफेक्ट करता है। पूरे कोल्हान के लोग आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज में आके मजदूर काम करते हैं। लगभग 3 लाख मजदूर और 3 लाख परिवार आज की डेट में सड़क पर हैं। इतनी भयावह स्थिति हो गई है यहाँ के, जितने छोटे छोटे दुकानदारों लोग जो हैं, उनका उनके यहाँ 5 रुपया का पार्ले जी बिस्किट नहीं बिक रही है, पैसा नहीं है लोगों के पास।
वो किसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं। समाज में इतनी भयावह स्थिति पिछले मतलब 5-7 साल में कभी ऐसा नहीं आया था जो आज स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति हो गई। आमतौर पे जो कोई इंडस्ट्रियल इलाका होता है तो इंडस्ट्री के जो मजदूर होते हैं वो कहीं आसपास की किसी दुकान पर किसी ढाबे पर खाने पीने के लिए आते हैं। यहाँ हम जिस इंडस्ट्री के भीतर अभी बात कर रहे थे वो तो अपनी मंदी की समस्याएं बता ही रहे थे, कहा कि किस होटल वाले से बात कर लीजिए, उसके पास भी मजदूर नहीं आ रहे हैं खाने पीने। यहाँ जब हम आए तो इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है इनका कारोबार, इस बीच खाने पिलाने का कैसा चल रहा है। क्या नाम है आपका? नितेश गोप। नितेश, ये चावल है? हाँ चावल है। हाँ, कितने किलो का चावल है ये? आपका 3 किलो का है। 3 किलो का है। और पहले कितने किलो तक का चावल बनाते थे? पहले 10 किलो करीब। 10? हाँ 10 किलो करीब। कितने मजदूर आते थे आपके पास खाने के लिए? 60 इसे के आसपास। अभी कितने आ रहे हैं? अभी 20-30। तो कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी कंपनी के मजदूर आते थे आपके पास खास तौर से? खास तौर पे न्यू इंजीनियरिंग कंपनी से या सूरज बॉडी कंपनी से आते थे खाने के लिए। अच्छा। हाँ, वो अभी नहीं आ रहे। कितने मजदूर आते थे उनके पास? वहाँ से और न्यू इंजीनियरिंग कंपनी से 20 आदमी आते थे खाने के लिए, 20-25। अच्छा। अभी तो नहीं आ रहे, उनको बैठा दिया गया है आदमी वो लोग। सिर्फ आप दोपहर का खाना खिलाते हैं या शाम का नाश्ता भी कराते हैं? रात का भी खाना खिलाते? शाम का नाश्ता बनाते थे लेकिन अभी हालात बिगड़ गया, उसी के कारण हम लोग नहीं बना रहे। क्या बनाते थे शाम के नाश्ते? हाँ, समोसा पकौड़ी जलेबी यही सब बनाते थे। अच्छा, कितना बनाते थे? 5 किलो करीब। अच्छा, अब नहीं बना रहे? अभी नहीं बना रहे, उसे बिक्री नहीं हो रहा तो क्या, कंपनी अभी डाउन चल रहा है उसी नहीं बना रहे। ठीक, तो ये चीज़ आपको दिखानी थी, समझानी थी कि इंडस्ट्रीज़ खासतौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पूरे आदित्यपुर के इलाके में जो काम करती हैं उसकी वजह से उससे जुड़ा हुआ एक और रोज़गार है जो होटल हैं, जो ऐसे छोटे होटल क्या कहें, ढाबा कह लें आप, नुक्कड़ की छोटी दुकानें कह लें, उनका भी कारोबार इससे प्रभावित किया है। तो 4-5 की संख्या में इनके परिवार के लोग जो पूरी तरीके से इसी में लगे रहते थे उनका भी रोज़गार कहीं ना कहीं, उनकी भी आमदनी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है।